हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमारी पार्ट टू के अंदर ही जंगली का बच्चा उड़ के वापस चला गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बच्चा हमारे पास छत पर वापस आ चुका है। जस्ट अभी अभी ये बात है, मैंने सोचा अभी चला गया तो अब ये नहीं आएगा, लेकिन देखिए कि ये उड़ के वापस आ गया है आज छत पर। हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने की हो रहा है धीरे धीरे। हम आप देख सकते हैं, ये रहा ये बच्चा। आपको लग रहा हो तो कोई दूसरा बच्चा होगा, लेकिन ये वही बच्चा है। ये वही बच्चा है दोस्तों। ये देखिए ऊपर बैठ गया, देख सकते हैं अपने आप ऊपर नीचे कैसे कबूतर हो रहा है। चिड़िया अपने आप ही छत देख रहा है, बच्चा पट्ठा देख रहा है। तो फिर वैसे तो मेरे हिसाब से तो कुछ जंगली वाइट जो पिजन होता है काफ़ी मुश्किल से टिकता है, और ये मैंने अपनी छत पे नहीं, मेरे दोस्त की शटर से पे सब आया था है बच्चा, ठीक है ना। तो फिर आपको एक और चीज़ आपको बताता हूँ मैं, कि मेरे तीनों जोड़े जो हैं, तीनों जोड़ों ने आज एक साथ अंडे दिए हैं। तीनों के पास, तीनों ने आज सब तीनों एक ही अंडे पे हो रहे थे, और देखिए आज तीनों ने एक ही दिन में तीनों ने एक एक अंडा दिया है। देखो ये अंडे पे है, ये मादी अंडा दे दिया आज इसने, इस मादी ने अंडा दे दिया आज। जो तीनों मादी हैं ना, तीनों मादिनों ने आज एक साथ अंडे दिए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कबूतरों ने आज अंडे दिए। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है भाइयों, इनमें से बच्चे निकलते हैं या फिर पहले की तरह। आपको पता ही है क्या होता है मेरे को अंडों के साथ, मैंने अपने आप ही अंडे मेरे फूट जाते हैं, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगा कि ना अंडे फूटे, और मैं अंडे इधर घुमा दूँगा, इधर से उधर करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं कावली के, जो ये मेरी कावली कबूतरी है, उसने भी अंडे दिया है, उसका एक अंडा मैं मद्रासन के नीचे कर दूँगा, और मद्रासी का एक अंडा उसके नीचे कर दूँगा, ठीक है ना दोस्तों। ऐसा करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, ताकि शायद मेरा बच्चा बच पाए। चलिए, आप लोगों ने तो देख ही लिया। चलिए अब हम आपको बताते हैं, ये सब छोड़िए, अब हम आपको बताते हैं, सर्दियाँ आ चुकी हैं, हम लोगों को अपना कबूतर कैसे खुश रखना है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे कबूतर कैसे गूंज रहे हैं, एकदम मस्त रहते हैं। ये देखिए हंसते खेलते रहते हैं, खुश रहते हैं छत पर। आपको भी ऐसे कबूतर अपने बनाने हैं। सर्दियों के टाइम में कबूतर ठंड से फूल के कोने में बैठ जाते हैं, जैसे वो देखो कोने में देख रही होगी हमारी लास्ट नज़र आ रही होगी हरिद्वाज वैसी जैसी वो, इसलिए क्योंकि बेचारी उसके पैर गांठे हो गई हैं, उसके पैर में, उसके बाजू में, चक्कर से ऐसी रहती है। आपको ये करना, ऐसे अपने कबूतर बनाने के लिए बता रहा हूँ आपको करना क्या है। आपको घिसा देना है, ठीक है ना। हफ्ते में खाली दो बार सर्दियों में घिसा देना है। दिखा रहा हूँ मैं किस चीज़ का घिसा देना है। ये देखिए बादाम, चार बादाम है मेरे पास, आठ नौ कबूतर हैं। ये आठ नौ कबूतरों के लिए चार बादाम बहुत है, ठीक है ना भाइयों। ये चार बादाम, और मैं आपको और वो बता दूँ, बाजरा लेना है आपको, दस रुपये का बाजरा एकदम साफ बाजरा हो, आप उस बाजरे को धोके सुखा लें, ठीक है, क्योंकि हमें इस बाजरे में दवाई मिलानी है, ठीक है, ताकि कबूतर एकदम गर्म रहेगा, मस्ती में रहेगा, कुछ नहीं होगा। ये देखो मैं मिला के खिलाता हूँ। ये आपको पता ही है एवियन है, जो अंडे वाली में बताई थी मैंने आपको वीडियो में बताई थी। ये आपको लेनी है, आपको 10 रुपये के बाजरे में इसकी दो गोलियाँ डालनी है, 600 mg की काट के आपको डाल देनी है, और आराम से सारा का सारा जितना भी है ना, वो सबका सब आपको मिक्स कर देना है इसके अंदर। मिक्स करने के बाद, मिक्स कर दिया आपने, अब मिक्स करके आप लोग क्या करना है कि उसके उस बाजरे को अच्छी तरीके से मिक्स करके एक दूसरे डब्बे में प्रिजर्व कर लेना, ठीक है। ये तो एक हो गया, और दूसरा हट दूसरा ये हो गया दोस्तों, कि आप जो बाजरा देते हैं कबूतरों को, उसके अंदर जितना आप बाजरा तोल के देते हैं, ऐसे ही देते हैं भरपेट, तो आपको ये करना है कि कबूतरों के अंदर ना, कबूतर के बाजरे में घी मिला के दीजिए, ताकि इससे कबूतर आराम से, बहुत गर्म रहता है कबूतर।
कबूतर कबूतर गर्म रहता है, ठीक है ना दोस्तों, इससे आपका कबूतर एकदम खुश रहेगा, कुछ भी जो भी करना होगा आराम से करेगा वो बच्चा, ठीक है। देख सकते हैं शायद आपको अंडे दिखे नज़र आ रहे होंगे, चलिए कोई नहीं, समझ चुके होंगे कि हमें क्या करना है। वैसे तो आपको पता है जंगली बच्चा मेरा वापस आ गया है, मैं तो आशा छोड़ चुका था कि कबूतर मेरा लौट के वापस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन चलिए मेरा जंगली बच्चा आ गया, खुदा हाफिज़। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस जंगली बच्चे को एक लाइक कर सकते हैं, और चैनल को नए जो लोग हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना दोस्तों, खुदा हाफिज़।